नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने पिछले दिनों आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से सूचना दिया था कि 26/7/2021 को CDPO मैम, DPO मैम और महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर पौष्टिक लड्डू और सत्तू लड्डू वितरण किस प्रकार से हो रहा है जानकारी दिया था। और आज के वीडियो में मैंने आप सभी को जो जांच हुई है उसकी एक न्यूज़ आप सभी को दिखाया है। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो DPO और CDPO मैम है वो पूर्णिया ज़िले में जाकर सभी केंद्रों में जांच की और जिसकी तस्वीर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसी के संबंध में आप लोग जो पौष्टिक लड्डू वितरण कर रही हैं तो सभी ज़िलों में पौष्टिक लड्डू का वितरण के संबंध में गड़बड़ी पाई गई है, यानी कि उसमें जो मात्रा और क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल के माध्यम से सच्ची खबरें दिखाई जाती है। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन का नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए। तो जैसे कि अभी ये निर्देश प्राप्त हुआ है ICDS की तरफ से 28/7/2021, जिसकी संचिका संख्या 3708 है। अनुश्रवण पदाधिकारी ICDS निदेशालय की तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है और यहाँ पे सभी ज़िलों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। विषय दिया गया है आंगनबाड़ी केंद्र पर केंद्रों से उपलब्ध कराई जा रही पौष्टिक सत्तू लड्डू का गुणवत्ता एवं मात्रा का अनुश्रवण में असंतोषप्रद पाए जाने के संबंध में। कहने का मतलब है जो आप लोग पौष्टिक लड्डू सत्तू लड्डू बना रही हैं उसकी गुणवत्ता और मात्रा में कमी पाई जा रही है, जिसके कारण इस लेटर को जारी किया गया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिनांक 26/7/2021 को आंगनबाड़ी केंद्रों से उपलब्ध कराई जा रही पौष्टिक सत्तू लड्डू का गुणवत्ता एवं मात्रा का अनुसरण कराए जाने के उपरांत आपके जिले का प्रतिवेदन में पौष्टिक सत्तू लड्डू का गुणवत्ता एवं मात्रा असंतोषप्रद पाया गया है, जिसे निदेशक महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है। असंतोषप्रद पाए गए केंद्रों पर निदेशालय पत्रांक कृत कार्रवाई कर निदेशालय को प्रतिवेदित किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो आप लोग लड्डू वगैरह बना रही हैं उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो मात्रा देनी चाहिए वो नहीं आप लोग दे रहे हैं, अतएव निर्देशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत मामले को अपने स्तर से असंतोषप्रद पाए गए केंद्रों पर सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को व्यक्तिगत रुचि लेकर सेविकाओं से पौष्टिक लड्डू तैयार करवा कर उचित मात्रा व गुणवत्ता के साथ वितरण कराया जाए। निदेशालय को पत्रांक 30/38 दिनांक 20/6/2021 के आलोक में पूरक पोषाहार कार्यक्रम संचालन करना भी सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा किसी भी प्रकार के प्रतिकूल स्थिति के लिए पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी। तो यहाँ पे ये आदेश आ चुका है कि अब आप लोग को जो भी पौष्टिक लड्डू और सत्तू लड्डू बांटना है उनमें अब बाल विकास परियोजना के पदाधिकारी जो हैं वो अब व्यक्तिगत रूप से सारे केंद्रों पे जो सेविकाएं हैं उनको पौष्टिक लड्डू तैयार करवा के और उचित मात्रा व गुणवत्ता के साथ वितरण कराएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।